इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नक्सली हमले के बाद से ही बालाघाट जिले के थानों पर चौकसी यहां बढ़ाई गई है। जंगलों में जवानों ने सर्चिंग अभियान भी शुरू कर दिया है। तो छत्तीसगढ़ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बीजापुर नक्सली हमले के बाद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के बीजापुर नक्सली हमले के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के थानों पर चौकसी यहां पर बढ़ा दी गई है। जंगलों में जवानों ने सर्चिंग अभियान भी शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ से खबर आप कि बीजापुर नक्सली हमले के बाद हाई अलर्ट जारी, जहां बालाघाट जिले के थानों पर चौकसी भी बढ़ा दी गई है। जंगलों में जवानों ने सर्चिंग अभियान भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमला हुआ था, जो उसके बाद यहां पर लगातार कई तरह से रणनीति बनाई जा रही है केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से, किस तरह से नक्सलियों का सफाया किया जाना चाहिए। और ऐसे में 23 जवानों की अब तक शहीद होने की खबरें निकलकर सामने आ रही है, और भी जवानों की ये आंकड़ा बढ़ सकता है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, और जिसी का असर अब मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है, जहां मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के थानों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। जवानों में आपको बता दें कि जंगलों में जवानों ने सर्चिंग अभियान भी शुरू कर दिया है। और हमारे साथ संवाददाता अनन्या चतुर्वेदी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनन्या, फिलहाल किस तरह की अपडेट और जानकारी मिलते हुए नजर आ रही है? अनन्य, फिलहाल तकनीकी खराबी के चलते आपसे संपर्क हो नहीं पा रहा है, आवाज क्लियर नहीं आ रही, एक बार फिर साधने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ के बीजापुर की बता रहा है, जहां नक्सली हमले के बाद हाई अलर्ट जारी किया, बालाघाट जिले के थानों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। एक बार फिर अनन्य का रुख करते हैं। अनन्य, किस तरह की जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, अगर यहाँ पे बात की जाए, बीजापुर के हमले के बाद बालाघाट का हाईलाइट जारी कर दिया गया है, और मध्य प्रदेश के बालाघाट में संभावत है कि वहाँ पर अगर बीजापुर से नक्सली घूम कर आते हैं तो बालाघाट के जंगलों में छुपेंगे। ऐसे में बालाघाट में पुलिस बल जो है तैनात कर दिया गया है। संभावित जितने भी रास्तों से नक्सली आ सकते हैं, सभी रास्तों पर जो है तैनाती की गई है पुलिसकर्मियों के साथ ही। यहाँ पर आपको बता दें कि बालाघाट से पहले कई वारदातें जो है नक्सलियों की है। इससे पहले दो ट्रक थे, उनके साथ एक ट्रैक्टर को भी यहाँ पर जला दिया गया था नक्सलियों द्वारा। साथ ही ठेकेदार और मजदूर से मारपीट करने की घटना भी पहले सामने आई है। इसके अलावा कई विस्फोटक पदार्थ भी मिले हैं, विस्फोटक पदार्थ को बरामद किया गया था। इसके बाद पुलिस और नक्सलियों के बीच कई बार मुठभेड़ भी हुई है। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात किया गया है, जिन्हें और साथ नक्सलियों को रोकने के लिए फॉक्स फोर्स की आती है, जिला पुलिस बल को तैनात भी किया गया है। यानी कि छत्तीसगढ़ से भाग कर अगर बालाघाट में अगर नक्सली आते हैं तो उसके लिए पुलिस बल यहाँ पर बालाघाट में तैयार है, तैनात है। और ऐसे में बालाघाट से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई सारी घटनाएं जो है बालाघाट से पहले भी गुजर चुकी है, और ऐसे में बालाघाट में संभावित है कि कई और बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की यहाँ पर प्रयास में हो सकते हैं। नक्सली कितनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद अगर वो कहीं आते हैं तो वह बालाघाट हो सकता है। और जितने भी रास्ते जितने सुरंगे हैं जो बालाघाट तक पहुंचती है, जंगल के रास्ते जितने भी है, वहां पर सभी जगह पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सारी सीआरपीएफ की टीमें तैयार हो गई है। अब देखना यह है कि बालाघाट में इस हमले के बाद फिलहाल जो पुलिस बल जो तैनात किया गया है, उसके बाद नक्सली अगर आते हैं तो कितने नक्सली गिरफ्तार होते हैं। बिल्कुल अनन्या, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के बीजापुर नक्सली हमले के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बालाघाट जिले के थानों पर चौकसी यहां बढ़ा दी गई है। जंगलों में जवानों ने सर्चिंग अभियान शुरू किया था। देखने वाली बात यह होगी कि अब आगे किस तरह की तस्वीरें यहां निकलकर सामने आती है, क्या वाकई में यहां पर केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से एक साथ मिलकर नक्सलियों का सफाया किया जाता है या फिर नहीं।